मैं सुनीता, आज मैं आपको पौष्टिक लड्डू बनाने सिखाऊंगी। गुड़ और चने के किस तरीके से ये लड्डू बनते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने छिलके उतार लिए थे चनों के, और ये गुड़ था, ये घी है। तो बताती हूँ मैं आपको, मेरा घी अब मैं गैस चालू कर देती हूँ। अब ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर मैं घी डाल दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया, थोड़ा सा घी डालना है इसके अंदर। जो हम लड्डू बनाएंगे, पौष्टिक लड्डू बनाएंगे, तो उसमें हमें थोड़ा सा घी डालना है ताकि गुड़ इसके अंदर अच्छे से पिघल सके। अब ये घी गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं घी गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर गुड़ डाल देती हूँ। एक ही गुड़ को डाल दिया मैंने, जितना चने होते हैं उसी हिसाब से हमें गुड़ लेना चाहिए ताकि इसके अंदर वो चने जो हैं उसके लड्डू बन जाए आसानी से। हमने गुड़ को अच्छी तरीके से ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, घी के अंदर गुड़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये गुड़, ये जो गुड़ के चने हैं बड़े फायदेमंद होते हैं, इसमें आयरन की मात्रा से भरपूर है। गुड़ और चना आयरन से भरपूर होता है। और ये देखिए इसमें मिक्स भी हो चुका है अच्छे से। इसको मैंने कम गैस पे चला लिया है देखो, ताकि जल ना जाए, इसलिए कम गैस पे चलाना है इसको। और अनीमिया से बचने के लिए बेहद मददगार भी होता है। और गुड़ में उच्च मात्रा में आयरन होता है, जो भुने हुए चनों में आयरन के साथ प्रोटीन सही मात्रा में पाया जाता है। तो अब देखिए मेरा ये गुड़ भी अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छी तरह पिघल गया है। अब मैं इसके अंदर चने डाल दूंगी। देखिए मैंने चने भी डाल दिए उसके अंदर, सारे चने डाल दिए। पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके चलाऊंगी, अब सारे ही डाल दिए मैंने इसके अंदर। देखिए अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी इसके अंदर, गुड़ और चने को। ये आसानी से दुकानों पर भी मिल जाते हैं गुड़ और चना। देखिए और सरकार ने भी इसकी सुविधा कर रखी है गुड़ और चने की। अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसको, गुड़ और चनों को, ताकि इसके लड्डू आसानी से बन जाए। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब ये देखिए ये मेरे कितने अच्छे से गुड़ और चने के लड्डू बन चुके हैं। कितने अच्छे हो गए हैं, अभी मेरे बन के तैयार हो गए हैं गुड़ और चने के लड्डू। अभी अगर गुड़ और ये चने मेरे मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इनके लड्डू बनाऊंगी। तो देखिए लड्डू पानी का थोड़ा सा हाथ लगाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए मेरे लड्डू बन रहे हैं, हम ऐसे भी खा सकते हैं और लड्डू भी बना के खा सकते हैं इसके। तो मैंने लड्डू भी बना के तैयार कर दिए। ये सबके लिए बड़े फायदेमंद रहते हैं, इनको सभी खा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन गए मेरे, हमने ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, लड्डू बना के भी खा सकते हैं। तो